हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सटेंट। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 8.2 की पार्ट सेकंड में। अभी हमने पार्ट वन जैसे कि वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने केवल 1 से लेकर 3 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। ठीक है, वीडियो काफी बड़ी हो गई थी तो हमने कहा था हम बाकी क्वेश्चन पार्ट टू में सॉल्व करेंगे। तो चलिए पार्ट टू की शुरुआत करते हैं। शुरुआत है हमारी क्वेश्चन नंबर 4 से। पुरानी वीडियो आपने ना देखी हो तो दोनों ही एक्सरसाइज 8.1 और इस 8.2 का पार्ट 1 लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। बेसिकली यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर -1, 0, 1, 3 एंड 3, 2। हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसकी वर्टिसेस हमें गिवन है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए ये कुछ हमारे पास इस तरह है। तो सबसे पहले इसको प्लॉट करते हैं। -1 यहां पर आएगा, ये क्या हो जाएगा -1, 0। दूसरा पॉइंट दे रखा है 1, 3, तो मान लेते हैं 1 यहां पर होगा कोई पॉइंट और 3 यहां पर ले लेते हैं ये। तो ये कितना हो जाएगा 1, 3। उसके बाद दूसरा है 3, 2, 3 है और यहां पर 2, कोई पॉइंट यहां ले लेते हैं कितना हो जाएगा 3, 2। अब यहां से हमें क्या करना है, बेसिकली एक ट्रायंगल बना देना है। तो हम लोग को जब ट्रायंगल बनाएंगे देखते हैं ट्रायंगल कैसे बनेगा। ये देखिए ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया है इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। लेकिन हम हमारे इस तरह से डायग्राम बनाएंगे तो हम उस एरिया का कभी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या हमें पता नहीं चलेगा कि लिमिट कहां से कहां तक लगेगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर लेंगे यहां से और एक यहां से, और इसको अपने हिसाब से कुछ नाम दे देते हैं। ये ए हो गया, ये ओरिजिन हमेशा की तरफ ओ हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और नीचे भी है कोई और नाम दे देते हैं, मान लेते हैं एल दे दिया और ये एम दे दिया। तो अब जैसे कि हम देख सकते हैं अब हमें क्या किसका एरिया फाइंड करना है, बेसिकली एबीसी एबीसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, जो कि हम बेसिकली कैसे कर सकते हैं। अगर हम क्या करें एबीएल, ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं एबीएल और इसमें के साथ में ये एक ट्रेपीजियम टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है यानी कि बीएलएमसी, इन दोनों के एरिया को क्या करें आपस में प्लस करें और उसमें से एसीएम ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है इसका एरिया माइनस करें तो हमारे पास क्या एबीसी का एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं लिख देता हूं कैसे निकालेंगे हम एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ये देखते हैं, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट बेसिकली क्या है, जो कि है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, जो कि हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ALM plus area of BLM BML BLMC BLMC और इसमें से क्या माइनस कर देंगे एक जो नीचे वाला ट्रायंगल है हमारे पास कौन सा है AMC AMC। ठीक है, तो हमारे पास किसका एरिया आ जाएगा बेसिकली एरिया ऑफ एबीसी जो कि हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर क्या है हमारे पास कोई इक्वेशन तो दे ही रखी कर्व की, तो सबसे पहला काम है कर्व की इक्वेशन को फाइंड आउट करना। पर क्या है हमें यहाँ देखो हर जगह पे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, जैसे ए के कुछ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, बी के कुछ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह दे रखे हैं, ए पॉइंट का मान लो कोऑर्डिनेट x1 और y1 दे रखा हो और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2 दे रखा ये है। तो अगर हमें एक लाइन की इक्वेशन यानी कि क्या है दोनों को अगर ए और बी एक लाइन के थ्रू कनेक्टेड है तो इसकी इक्वेशन का फॉर्मूला है, मैं यहां लिख दे रहा हूं आप लोग अपने कॉपी में भी साथ में नोट डाउन कीजिए। इक्वेशन बेसिकली जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाती है हमारे पास y-y1 = y2-y1 / x2 - x1 / x - x1।
ये जब इसके बाद हम लोग 3D ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो ये उसमें फॉर्मूले यूज्ड होते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, ये है। आप लोग इसको अभी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब मैं यहाँ पर कुछ कर्व की इक्वेशन को निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए या वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए मैं इसे रब कर देता हूँ और अब हम लोग सीधा कर्व के डायरेक्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आप देखिए हमारे पास सबसे पहले मैं निकालता हूं पॉइंट ए, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है -1.0 और बी जिसकी दे रखी है 1.3। इसकी जो ये जो कर्व की इक्वेशन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बेसिकली, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी y - y1, यानी कि y - 0 इज इक्वल टू y2 - y1। y2 कितना है 3 - 0 फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ये यूज होंगी इक्वेशन, इसलिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ पहले ही। हमने क्या किया, ए बी की निकाल ली इक्वेशन। अब इसी के साथ इसी तरह से हम लोग किसकी निकाल लेते हैं, बी सी की निकाल लेते हैं। तो बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1.3 और सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमारे पास 3.2। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बेसिकली कितना आ जाएगा y - y0, यानी कि y - y0 3 = y2 - y1। y2 कितना है 2, तो यहां पे कितना आ जाएगा 2 - y1 3 / x2 - x1, x2 कितना है 3 - 1 साथ ही में x - x1 कितना है 1। जब इससे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी 7 - x / 2। कितनी आ जाएगी 7 - x / 2। इसको क्या कहते हैं, हम लोग इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं, ठीक है। इतना भी आप लोग वीडियो में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। So, अब तक हमने क्या है, अब हम इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं, C और A की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो C के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने हैं 3.2 और A के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने हैं -1.0। तो यहां कितना होता है y - y1, तो यहां पे हमारे पास कितना आ जाएगा y - 0 इज इक्वल टू y2 - y1, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 2 - 0 / 3 + 1 और x - -1, ठीक है, +1, ये हमारे पास आ गया। जब इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1/2 x + 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम इन्हीं का यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या हमें निकालना है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ जो पहला ट्रायंगल हमने लिया था, आप लोग अपनी उसमें स्क्रीनशॉट में देखिए, लिया था ए बी और एफ, ये हमने लिया था, ठीक है। ए बी एल में सबसे पहले देखिए कर्व दोनों का हो रहा है, ए और बी का, ए और बी के हमने अभी वाई की वैल्यू निकाल रखी है, कितनी निकाल रखी है हम लोगों ने y dx, ये यूज करेंगे, ठीक है। अब लिमिट का ध्यान रखते हैं, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स को अगर हम ध्यान दें तो ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं -1.0 और बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, बी के हमारे पास कोऑर्डिनेट हमारे पास दे रखे हैं 1.3। तो यहां पे हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, इसका एक -1 से लेकर 1 तक जाएगी, ठीक है, कहां से जाएगी -1 से लेकर 1 तक जाएगी। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ए बी के लिए हम लोगों ने बेसिकली कर्व की इक्वेशन क्या निकाली थी, वाई की जो वैल्यू निकाली थी वो कितनी निकाली थी, वाई की जो हमने वैल्यू निकाली थी वो निकाली थी 3/2 x + 1, ठीक है। ये हम कहां यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 में बाहर निकाल लेता हूं पहले से ही, -1 से 1। अब अंदर कितना बचेगा, अंदर बच जाएगा x + 1, इसको हमें के रूप में इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। चलिए इसे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, इंटीग्रेशन तो ये काफी बेसिक सा ही है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² / 2 + x। लिमिट कहां तक कहां तक रहेगी, -1 से 1, 3/2 बाहर रखते हैं, सबसे पहले क्या है अपर लिमिट डाल देते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/2 + 1, ये हो जाएगा माइनस, लोअर लिमिट डाल देते हैं
तो कितना हो जाएगा 1 बाय 2 माइनस 1, ये हो गया। इसे सॉल्व कर लेते हैं 3 बाय 2। अब यहां पे देखो ये 1 बाय 2 पॉजिटिव है, या देखिए मैं इसको पूरा लिख देता हूं, ये देखिए 1 बाय 2 प्लस 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1, ये हो गया। ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2। तो मैं इसको इधर आ जाइए, मैं इस तरफ बोर्ड के इस तरफ लिख दे रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा 3 बाय 2 इंटू 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट। इसको अब तक हमने कितनी क्वेश्चन ले रखी 3 है, इसको मान लेते हैं हम 4 नाम दे देते हैं, ये नाम दे रहा हूं क्योंकि हमें इसका यूज आएगा आगे, ठीक है। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम दूसरा एरिया फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ जो हम लोगों ने क्या बताया था ट्रेपीजियम जो हमने निकाला था, जिसमें हम लोगों ने चार साइड ले रखी थी BCML, एरिया ऑफ BCML। अब यहां पे देखिए कौन सा कोऑर्डिनेट का जिक्र हो रहा है, बेसिकली BC, इसकी इक्वेशन हमने भी निकाल चुकी है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो अब हम लोग डायरेक्ट ये यूज करेंगे, यहां पे भी क्या चीज रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ y dx, y की वैल्यू मैं ऑलरेडी मैंने आपको निकलवा चुका हूं, ठीक है। अब लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, तो देखिए लिमिट यहां पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम b, b के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो b के हमारे पास कोऑर्डिनेट है 1 से लेकर 1 और 3, और c के कोऑर्डिनेट कितने हैं, c के वैल्यू है 3, 2। तो कहां से कहां तक जाएगा, 1 से लेकर 3 तक जाएगा, x x dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है, मतलब x के कोऑर्डिनेट लेंगे 1 से लेकर 3 तक, लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं इसको इसी पार्ट पर रख करता हूं। अब यहां पर हम लोग सीधा वैल्यू डालेंगे, अब हम लोगों ने इसके लिए बेसिकली y, y की क्या वैल्यू निकाली थी, अगर हम y की वैल्यू को ध्यान से देखें तो 1 से लेकर 3 मैंने निकाली थी y की वैल्यू 7, क्या निकाली थी 7 माइनस x अपॉन 2, ये निकाली थी। अब हम लोग को क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है dx, इसे जस्ट इंटीग्रेट करना है, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, यहां पर देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इसमें से 1 बाय 2 बाहर निकाल लेते हैं, हाँ ठीक है 1 बाय 2 हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, तो अंदर कितना बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 3 7 माइनस एक्स dx, ठीक है। नीचे का अपॉन 2 बाहर आ गया, ये भी क्लियर होगा आप लोगों को। अब कोई बात नहीं, इसे इंटीग्रेशन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, इसको सीधा इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 7x माइनस x स्क्वायर अपॉन 2, सिंपल इंटीग्रेशन 1 से लेकर 3 तक। अब इसमें क्या करना है, लिमिट डाल देते हैं, चलिए लिमिट डाल दें, तो सबसे पहले अपर लिमिट 7 3 का 21 माइनस अभी भी अपर लिमिट ही रहेगी 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 का 9 9 बाय 2 माइनस लोअर लिमिट डाल देते हैं 7 माइनस 1 बाय 2, ये हम लोगों ने डाल दिया, इसे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं 1 बाय 2 21 माइनस 9 बाय 2 माइनस 7 प्लस 1 बाय 2, ठीक है। जब आप लोग उसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास लास्ट में आंसर दे देगा 5 स्क्वायर यूनिट। ये फ्रैक्शन है, आपको बेसिक चीजें आप लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे, इसको हम दे देते हैं 4 दे चुके हैं 5, ये क्या किया आप लोगों ने, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दी है, ठीक है। सो अब हम लोग क्या है, अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ACM। अब यहां पे देखते हैं क्या आ रहा है, ए और सी आ रहा है, इसके लिए भी हम इक्वेशन फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। और लिमिट, अब बेसिकली ये देखिए ए है, ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं -1, 0, एंड सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, सी का कोऑर्डिनेट है 3, 2, तो दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट, तो दिस इज -1, 2, 3 बाय dx। अब यहां पर क्या है, हम ऑलरेडी y की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, तो y की वैल्यू कितनी थी 1 बाय 2, और यहां आ जाएगा -1 से 3, और ये कितनी थी x+1, ठीक है। मैंने क्या किया, अपॉन 2 को बाहर कर दिया 1/2 के फॉर्म में। अब क्या है, इसको फटाफट इंटीग्रेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये x² / 2 + x - 1 से 3, ये हो जाएगी हमारी लिमिट्स। अब कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ लिमिट्स डाल देनी है, सबसे पहले अपर लिमिट डालते हैं, तो कितना हो जाएगा 9/2 + 3 - 1/2 - 1, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 9/2 + 3 - 1/2 + 1,
ठीक है, तो इसको हम लोग फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 एंड दिस इज 4+4, आंसर विल बी 4 स्क्वायर यूनिट। ये हम लोग इक्वेशन दे देंगे 6, ठीक है, ये आप लोग अच्छे समझ में आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमारे पास जितनी भी नेसेसरी चीजें थी वो हमें मिल चुकी हैं, तो चलिए फटाफट इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। सो मेन एरिया, एरिया किसका निकालना था हमें, ए बी सी का, जो कि बीस जनरल हमने क्या निकाला था, एरिया ऑफ, हमने पहला ट्रायंगल कौन सा लिया था, ए बी एल, तो ए बी एल प्लस एरिया ऑफ जो हमने ट्रेपीजियम का लिया था बी सी एम एल, ठीक है, आपको देख लीजिएगा ये इधर उधर हो जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है, और इससे माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए सी एम, यही फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये ए बी सी नहीं है, ए बी एल है, ठीक है ना, अच्छे से आप लोग समझ में, तो ए बी एल, जब हमने ए बी एल का फाइंड आउट किया था तो कितना निकला था हमारे पास, 3 स्क्वायर यूनिट निकला था एरिया। बी सी एम एल का अभी फाइंड आउट किया कितना निकला था, 5 स्क्वायर यूनिट, और अभी ए सी एम का जस्ट हमने फाइंड आउट किया कितना निकला है, माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, 5+3 8, 8 -4 दैट इज 4 स्क्वायर यूनिट विल बी द फाइनल सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन व्हिच इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। आई होप आपको कांसेप्ट के साथ बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा कैसे लिमिट लेते हैं, कैसे क्या लेते हैं। अब इसके बाद चलते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 5। सो अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, find the area of a triangular region whose sides have equation y is equal to 2x plus 1 and y is equal to 3x plus 1 and x is equal to 4, ठीक है। अब इससे पहले हम लोग के पास क्या थे, coordinates दिए हुए थे और हमने क्या बनाई थी, equation बनाई थी। अब की बार हमारे पास equation दिए है और figure बनाने के लिए हमें coordinates पता होने चाहिए, है ना, तो सबसे पहले coordinates निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं figure कुछ कैसा बनेगा, सबसे पहले क्या होता है, ये बेसिकली क्या है, ये एक लाइन की इक्वेशन है, दोनों ही एक लाइन की इक्वेशन है। अब ये लाइन कहां से जाएगी, ओरिजिन से जाएगी या कहीं और से जाएगी, इस चीज को पता करने के लिए पता है क्या करते हैं हम लोग, जो ये y है ना, जो भी हमारी इक्वेशन दे रखी है, जैसे ये देखिए y is equal to 2x plus 1, यहां पे क्या होता है, x की वैल्यू 0 डालते हैं, क्या होता है, x की वैल्यू 0 डालते हैं, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 1, कोऑर्डिनेट क्या बन गया, 0, 1। दूसरा में भी ध्यान के देख लेते हैं, y is equal to 3x plus 1, यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 डालते हैं, y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1, तो दोनों ही पॉइंट पे 0 1 और 0 1 मिल रहा है, तो ये मान लेते हैं ये ओरिजिन 0 है, 1 1 कुछ यहाँ मिलेगा हमें, ये कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, 0, 1, इस वन में आ गया आप लोगों को। अब उसके बाद ये देखिए, अब यहां पर क्या दे रखा है, x is equal to 4, मान लेते हैं यहां कोई लाइन है x is equal to 4 वाली, ये क्या है, ये लाइन है x is equal to 4 वाली, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, अब ये पॉइंट जो ये दोनों लाइनें बनेंगी, स्टार्टिंग दोनों की 0 1 से ही होगी, ठीक है, अभी हमने कोऑर्डिनेट निकाले, लेकिन जाएंगी कहां तक, ये निकालने के लिए आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है, x है, x वैल्यू 4 दे रखी है, एक बार इसमें x is equal to 4 डालना है और एक बार इसमें x is equal to 4 डालना है, जो भी करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू होगी वही हमारा गिवन कोऑर्डिनेट हो जाएगा। चलिए देखिए मैं यहां पे डालता हूं, y is equal to 2x plus 1 दे रखा है, x की वैल्यू at x is equal to 4, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 4 8 plus 1 9 होगी, किसके लिए, 2x plus 1 के लिए। फिर दूसरी क्वेश्चन क्या दे रखी है, y is equal to 3x plus 1 ये दे रखी है, यहां पे क्या है, x की वैल्यू 4 डालेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4, 3, 12, 12 + 1, 13, एक में क्या मिलेगा 9 और एक में मिलेगा 13, और यहां पर x की वैल्यू देखिए दोनों में ही सेम है, कितनी है 4, 4। चलिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसका, मान लेते हैं ये पहला है, ये ऐसे कुछ यहां तक जाएगा, ये हमारा पॉइंट बनेगा, x की वैल्यू 4 थी, y की वैल्यू 9 थी, क्या इक्वेशन थी, y is equal to 2x plus 1 के लिए ये था, ठीक है, और एक क्या निकली थी, x की वैल्यू 4 ही थी लेकिन y की वैल्यू कितनी थी, 13 थी, y की वैल्यू कितनी आई थी, 13 आई थी, ठीक है। ये बेसिकली कौन सी इक्वेशन के लिए है, y is equal to 3x plus 1, ये इसमें ये जो पार्ट आ रहा है शेडेड वाला, यही हमें फाइंड आउट करना है,
ठीक है, ये पार्ट हमें जो शेडेड पार्ट है इसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ पॉइंट्स असाइन कर लेते हैं। मान लेते हैं ये ए है, ओरिजिन तो हमेशा वही रहता है, ए हो गया, ये हमारे पास पॉइंट बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, रैंडमली पॉइंट्स हमने ले लिए। ठीक है, अब इस शेडेड पोर्शन को निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ओ ए बी डी, ये जो बड़ा वाला है में से हम लोग अगर ओ ए सी डी माइनस कर दें, बड़े वाले से छोटा वाला माइनस कर दें, तो शेडेड वाला पार्ट आ जाएगा। यही अब हम यहां करने जा रहा हूं। देखिए क्या है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन बेसिकली क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेसिकली शेडेड पोर्शन है क्या, ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी, जो कि बेसिकली हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ पहला क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कौन सा बन रहा है, बन रहा है ओ ए बी डी, किसका बन रहा है ओ ए बी डी, में से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ओ ए सी डी, ये माइनस कर देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, एरिया ऑफ ओ ए बी डी, ओ ए बी डी वाले की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली कितना हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बाय डी एक्स। अब एक तरफ फिगर की तरफ चलते हैं, तो ध्यान दीजिए फिगर में देखिए क्या चीज है, लिमिट कहां से कहां तक वेरी कर रही है, दोनों ही को पॉइंट के लिए एक्स पे दिया है, ध्यान दीजिए क्योंकि वाई डी एक्स लिखा है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में देखिए 0 से 4 तक इधर भी है, इसमें यहां पे भी देखेंगे नीचे वाले के लिए भी 0 से 4 तक है, तो दोनों में लिमिट जो रहेगी वो 0 से 4 तक ही रहेगी, ये क्लियर है। तो चलिए आप फटाफट लिख देते हैं, तो पहले वाले के लिए हमारे पास क्या थी, लिमिट 0 से 4, और हमारे पास कर्व की इक्वेशन क्या थी, सबसे ऊपर वाली है y = 3x + 1 के लिए, तो ये हो जाएगी 3x + 1 dx, अब इसे इंटीग्रेट करने में जरा सा भी समय नहीं लगेगा, ये देखिए कितना हो जाएगा 3x² / 2 + x, लिमिट 0 से 4 तक। अब इसमें क्या करना है, हमें जस्ट अपर लिमिट डाल देनी है, तो कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 4 = 16, 16 3 = 48 divided by 2 plus this is 4 and minus, तो वो same 0 ही आ जाएगा क्योंकि lower limit तो already 0 ही है। इसको solve करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 4 24, तो ये आ जाएगा 24 plus 4, यानी कितना आ जाएगा 28 square unit, मान लेते हैं हम कुछ इसे पहली equation। ठीक है, अब इससे बात चलते हैं हम अपने दूसरे एरिया की तरफ, जो कि है एरिया ऑफ ओ ए सी डी। सो अब अगला क्या है, एरिया ऑफ ओ ए सी डी, ओ ए सी डी भी निकाल लेते हैं, तो ओ ए सी डी कितना हो जाएगा, लिमिट मैंने बताया सेम रहेगी 0 से 4। अब अगली कर्व की इक्वेशन कितनी है, 2x + 1 dx, ठीक है, अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है, चलिए इंटीग्रेट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 2x² / 2 प्लस एक्स, ये हो गया, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, लिमिट 0 से 4 तक, हमें किस में लिमिट डालनी है, बेसिकली x² + x में डालनी है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक, सबसे पहले डाल देते हैं, कितना हो जाएगा 4 4 = 16 प्लस 4 20 square, इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या है, अब हम लोग को शेडेड रीजन निकालना है, तो शेडेड रीजन बेसिकली क्या था, मैंने बताया था एबीसी, जैसे कि आप अगर बोर्ड पे देख रहे हो, तो एबीसी का शेडेड रीजन एरिया ऑफ ओएबीडी जो कि हमारा कितना है 28 माइनस एरिया ऑफ ओएसीडी जो कि हमारा है 20, तो अब कुछ नहीं करना, एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ एबीसी यानी कि शेडेड पोर्शन का, दैट इज 28 माइनस 20 जो कि आ जाएगा हमारे पास 8² यूनिट, और ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 2, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, काफी कंसेप्ट काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज पूछ लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।